हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूज की सीरीज में शुड का यूज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के यूज की सीरीज जरूर चेक की होंगी, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फिर प्लेलिस्ट में जाके यूज की सीरीज जरूर चेक कीजिए। उसमें मैंने यूज ऑफ इट, मे, कैन, यूज टू, इट, ये सारे और भी काफी यूजेस हैं। प्लीज उन यूजेस को जरूर चेक कीजिए। आज हम शुड पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रूल्स मैंने बताए हैं कि शुड को यूज करने के रूल्स क्या हैं। टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन, जहां हम अपने सजेशंस या अपनी एडवाइस, अपनी सलाह किसी को देते हैं, वहां हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड बाय दिस कंप्यूटर, हमें ये कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए। वन शुड स्पीक द ट्रुथ, हर किसी को सच बोलना चाहिए। तो ये एडवाइस है या सजेशंस हैं। सेकंड वन इज टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, हमारी नैतिक ड्यूटीज जो होती हैं, हम उनके लिए भी शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें पुअर और नीडी यानी गरीब और जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। शुड का मतलब चाहिए ही होता है, और इसलिए हम शुड चाहिए के लिए यूज करते हैं। वी शुड बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ओबीडियंट होना मींस अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना। टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस यानी कोई उद्देश्य, हम किस लिए जो काम करना चाह रहे हैं वो। और पर्पस के लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये रूल ध्यान रखिएगा। पर्पस के लिए हम लेस्ट और शुड का यूज करते हैं। शुड अकेले नहीं आता है यहाँ। किस तरह से यूज हो रहा है ये देखिए ध्यान से। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। लेस्ट मतलब नहीं तो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, या मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट शुड के साथ इस तरह यूज किया जाता है। स्पीक स्लोली लेस्ट वन समवन शुड हियर यू, धीरे बोलो नहीं तो कोई तुम्हारी बात सुन लेगा। टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत। देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, हर विलेज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। शुड चाहिए। देयर शुड बी अ गार्ड टू लुक आफ्टर द हाउस, घर की देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। घर की देखभाल करने के लिए एक गार्ड यानी चौकीदार होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था शुड का यूज। हेलो व्यूअर्स, ये आपका आगे इसी सीरीज में मैं आगे जा रही हूँ। यूज ऑफ मस्ट, शुड और मस्ट, ये दोनों ही वर्ड्स आर ऑफन कंफ्यूज। अक्सर हम इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मस्ट और शुड दोनों का ही मतलब होता है चाहिए। मस्ट कहाँ यूज करें और शुड कहाँ यूज करें, इसीलिए मैंने दोनों का डिफरेंस बताने के लिए आपको एक साथ साथ समझा रही हूँ। शुड आप समझ चुके, अब ये है मस्ट। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी या कंपल्शन, देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि शुड और मस्ट में सिर्फ ये फर्क होता है कि मस्ट में हर चीज को एम्फेसाइज किया जाता है, हर चीज पर जोरदार प्रेशर डाला जाता है, इसलिए वहां मस्ट यूज होता है। जैसे टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्शन, नेसेसिटी का मतलब भी जरूरत होता है, जैसे कि आई शुड गो टू स्कूल, ये भी जरूरत है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, सलाह है। लेकिन यहाँ जब हम मस्ट यूज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको जो जरूरत बोली जा रही है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड यू मस्ट डू इट, मतलब आपको ये करना ही है। आई मस्ट गो नाउ मीन्स अब मुझे जाना ही चाहिए। आई हैव टू गो नाउ, इसका मतलब ये सेम, दोनों सेंटेंसेस का सेम मतलब है। हैव टू का यूज मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुकी हूँ, यूजेस वाले सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। हैव टू का मतलब था किसी चीज के लिए जब हम अपनी मजबूरी जताते हैं कि हैव टू मतलब मुझे ये करना पड़ता है या मुझे ये करना पड़ रहा है। तो आई हैव टू गो नाउ मतलब मुझे अब जाना पड़ रहा है, मुझे अब जाना ही चाहिए। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, तो यहाँ मस्ट का मतलब
जरूरत को ज्यादा शो करना कि ये काम करना ही है. यू मस्ट वैकेट द रूम इमिडिएटली, तुम्हें ये रूम खाली कर देना चाहिए. लेकिन यहाँ चाहिए मतलब एडवाइस नहीं है, यहाँ चाहिए का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लैंडलॉर्ड कोई है वो अपने टेनेंट से बोल रहा है कि आपको ये रूम खाली कर देना चाहिए, मतलब वो ये कह रहा है कि आपको ये रूम खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि आई एम लैंडलॉर्ड. टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, किसी चीज के लिए मना कर देना कि ये काम नहीं कर सकते. तो टू एक्सप्रेस परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ये एक परमानेंट रूलिंग है, ये एक रूल है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए. वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड. मस्ट नॉट मूव, मस्ट नॉट मूव, जहां नॉट लग गया मीन्स ये हो गया प्रोहिबिशन, यानी किसी चीज के लिए मना कर देना. वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, हमें रोड की रॉन्ग साइड पर नहीं जाना चाहिए. तो ये एक रूल है और यहाँ पे प्रोहिबिशन के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं. थर्ड वन इज टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस. एम्फेटिक मीन्स ज्यादा प्रेशर डाल के कही गई बात या डिटर्मिनेशन, या फिर हम किसी चीज के लिए जब पूरी तरह डिटरमाइन हो जाते हैं कि हमें ये करना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ निश्चय, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं. यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए. ये एक बहुत दिल से और जो मतलब ज्यादा प्रेशर डाल के दी गई सलाह है, इसलिए शुड की जगह मस्ट का यूज हो रहा है. ये है, ये हुआ एम्फेटिक एडवाइस, ई ए एम्फेटिक एडवाइस. वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट, ये हुआ हमारा डिटर्मिनेशन कि हमें टेररिस्ट को यानी आतंकवादियों को क्रश कर देना चाहिए, मतलब उनको नष्ट कर देना चाहिए. टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटीज होती हैं उनके उनके लिए भी हम एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट लगाते हैं. इनको कभी कभी शुड के साथ चेंज किया जा सकता है. वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अब ये लास्ट पॉइंट है. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम मे का यूज करते थे. मैंने आपको पहले यूज में बताया हुआ है मे के यूज में कि जब किसी चीज की फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी बताई जाती है तो हम मे का यूज करते हैं. लेकिन मस्ट का यूज करने का मतलब है कि किसी चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया में एक स्कूल होना ही चाहिए. तो व्यूअर्स ये था शुड और मस्ट के बीच का फर्क. और इन माई अपकमिंग वीडियोस मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग यूजेस लेके आ रही हूँ जो आपको आपकी इंग्लिश डेली यूज में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको हेल्प करेंगे. और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए.